2015 में पूर्वानुमान भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि वो तो जीत ही रहे हैं और अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, पटाखे भी छूटने शुरू हो गए थे चुनाव जिस दिन गिनती हो रही थी, लेकिन आधा घंटे के बाद वो सारा पटाखा अब तक पड़ा हुआ है इस इंतजार में कि 2020 में छोड़ने का मौका मिलेगा। मुख्य रूप से कहा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनके खेमे का इसमें बहुत बड़ा समर्थन उनको प्राप्त है, और अगर ये जीत होती है तो तेजस्वी यादव का एक बड़ा जीत होगा। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। तो करते हैं आगाज आपके पसंदीदा कार्यक्रम रातों रात की, जहां हम हमेशा आपको ऐसी खबरें देते हैं जिसके आगे आप विस्मयादी बोधक चिन्ह जो लगाने पे आप मजबूर हो जाते हैं। हम हमेशा से आपको हमने ऐसी खबरें दी है जो आगे चल के बिहार की राजनीति का जो एक जो आप कोर बात कहे वो बन के उभरती है, उसका सूत्रधारक बन के उभरती है। तो आज की जो बात है वो हम करने वाले हैं पोल खोल टाइप की बात करने वाले हैं। आरजेडी की बात नहीं करेंगे आज, एलजेपी की बात नहीं करेंगे आज, बात करते हैं एनडीए खेमे के सबसे जो दो बड़े घटक दल हैं उनकी बात करेंगे, नीतीश जी की और मोदी जी की। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसी उनकी जो पार्टी रही है उनकी अगर विचारधारा की बात करें तो हमेशा से वो धन बल बाहुबल या येन केन प्रकारेन, अगर आप बात कह दे तो येन केन प्रकारेन, वो हमेशा से जो बात वो कहना चाहते हैं जो बात वो मनवाना चाहते हैं वो मनवा ही लेते हैं। पर रुकिए साहब, ये बिहार है, यहाँ कभी कब किसकी गाड़ी रोक दी जाए, कब किसका ना रोक दिया जाए, इस पे कहना कुछ भी कहना अतिशयोक्ति साबित हो सकती है। तो इस बार जो है बाबा एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जहां उनका कोई जोर नहीं चल सकता है। पूरा प्लान रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ तैयार है, लेकिन इस शादी को वो बिल्कुल भी रोक पाने में असमर्थ हैं। तो क्या है बाबा वो फुलपुर प्लान? सौरभ, बिहार की राजनीति में जी आप पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। जी 2015 में पूर्वानुमान भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि वो तो जीत ही रहे हैं और अपना मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, पटाखे भी छूटने शुरू हो गए थे चुनाव जिस दिन गिनती हो रही थी, लेकिन आधा घंटे के बाद वो सारा पटाखा अब तक पड़ा हुआ है इस इंतजार में कि 2020 में छोड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले सह और मात का खेल बिहार में जारी है। बिहार के लोगों को और बिहार की राजनीति को आप अगर समझ गए तो फिर आप महापंडित हैं जी, आपसे बड़ा कोई पंडित नहीं है। चाणक्य ही हुए थे जी, जिन्होंने पूरे राजनीति को और राजनीति शास्त्र को एक नया रास्ता दिखलाया था जी, असंभव को संभव कराया था। ऐसा ही असंभव को संभव 2017 में भी हुआ था जी। चाणक्य के रूप में कहे जाने वाले अमित शाह जी और उनके रास्ता को, उनके धागा को पकड़ करके चलने वाले सुशील कुमार मोदी जी ने एक बहुत ही मजबूत 178 सीटों वाली महागठबंधन को ध्वस्त कर दिया और हारी हुई बाजी पुनः जीत गए। पटाखा नहीं छूटा था जी, वो पटाखे अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी पूरा नहीं होता है जी। लेकिन एक बात पक्का है कि धनबल की बात और आपने जो बताया कि जनबल की बात जी, इन सब में भारतीय जनता पार्टी इस देश की अभी सबसे मजबूत पार्टी है जी। उसके साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जब हो तो आप समझ लीजिए कि राजनीति रणनीति धननीति सब कुछ आपके पास है जी। लेकिन इस बार जो हम बात करने जा रहे हैं और जहां कहने जा रहे हैं बात जी, कि आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी जीत 2019 में हुई जी लोकसभा की जी, और इसमें 40 में से 39 सीटें जीतने वाली जी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के चेहरे पर खुशी आपने नहीं देखी होगी जी, क्योंकि जश्न अधूरा था। न तो नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का हामी भरा और ना बिहार आकर के उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कराया जी, ये जश्न अधूरा रह गया जी। जीत के बाद भी अगर आपके घर में बहुत खुशी हो और खुशी नहीं मना सके तो कहीं ना कहीं लेकिन किंतु परंतु जरूर है जी। और ये लेकिन किंतु परंतु उसके बाद नजर आया जी जब उपचुनाव हुए जी। उपचुनाव में 5 सीटों के उपचुनाव में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा झटका उनकी जीती हुई सीटों को हरा करके किया जी, और ये बता दिया कि बिहार में तो हम आपको अकेले एक छत्र राज नहीं करने देंगे जी। इन सब बातों के बाद सौरभ, आपने देखा होगा कि एक लड़ाई और है जी, और वो लड़ाई भले ही इसमें राजनीतिक लोगों का या दलीय स्थिति को
अलग किनारे कर दिया गया हो, लेकिन मेयर और पार्षद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है पटना और बिहार के लिए। जी, पटना के मेयर का चुनाव जी पहले भी हुआ है जी, और हर बार सत्ता में बैठी पार्टी अपने मन पसंद के लोगों को उस पर बैठाती रही है जी। इसमें बहुत सारे खेल होते हैं, लेकिन इस बार जी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ये कहीं ना कहीं गले का घेर बन गया है नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों के लिए जी। उन्हीं के खेमे के कभी कहे जाने वाले जी विनय कुमार पप्पू ने पूरा बीड़ा संभाल लिया जी, और वो पूरी तरह से तैयार हैं कि इस बार हर हाल में सीता साहू को गिरा देंगे, उनको मेयर के पद से हटा देंगे। साल भर पहले आपने देखा होगा जी, जिस तरह से सीता साहू हारते हारते जीत गई थी, जिसमें कहा यह जाने लगा था कि सत्ता पक्ष में बहुत ज्यादा मदद किया था और यह प्राइड का प्रश्न बन गया था, क्योंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि ताजा ताजा दोनों दोस्त बने थे जी, और लालू प्रसाद को और तेजस्वी यादव को जी कांग्रेस को उन्हें हराना था जी, इसलिए दोनों ने पूरे मन से जी सीता साहू को एक बार फिर से स्थापित करने, चूंकि सीता साहू कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे की है जी, और यही कारण था कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट मिला था जी। लेकिन इस बार दोनों के बीच की तलखियां जो है भीतर भीतर चल रही हैं एनडीए में, उसको लेकर के विनय कुमार पप्पू ने पूरा दावा किया है, और इसके साथ साथ 41 पार्षदों का चिट्ठी, समर्थन की चिट्ठी जो है उनके विरोध में जी, उनके अविश्वास प्रस्ताव की चिट्ठी जो है वो लेकर के पहुंच गए हैं, और ये पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि इस बार चाहे जितना भी नाक रगड़ लें, जितना भी तैयारी कर लें, जितना भी धन बल और जनबल का दावा कर लें, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और मोदी को झटका दे करके मानेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चुनाव होगा और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, कारण कि आप समझ लीजिए कि अगर पटना की बात करें तो पटना के जितने भी इलाके हैं नगर निगम के, उनमें 75 पार्षद हैं जी, इन 75 पार्षदों में 37 जो है वो जीत और हार का आंकड़ा है जी। अब आप समझ सकते हैं कि 36 और 37 के जीत हार के आंकड़े को पूरा करने के बदले में 41 लोगों का अविश्वास प्रस्ताव का चिट्ठी उनके पास है जी, और इसका दावा भी वो कर रहे हैं, चिट्ठी वो ने उन्होंने सुपुर्द भी कर दिया गया है। अब इस पर फैसला जितना जल्दी आ जाए, और इस फैसले में रातों रात एक बड़ा चमत्कार और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सुशील मोदी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और यही विपक्ष की एकजुटता को भी साबित कर सकता है। आपको याद होगा कि हमने सबसे पहला आज ब्रेकिंग खबर संपादक नमन मिश्रा जी के साथ चलाया है जी, कि किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ दिल्ली के में विपक्षी दलों का एक गुप्त बैठक चल रहा था, जो कि हमारे सूत्रों ने हमें बताया कि उस बैठक में सिर्फ महागठबंधन नहीं बल्कि और भी कई दल शामिल थे, और कुल 9 से 10 दल शामिल थे जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग में जाने का मन बना लिया है, और नीतीश कुमार को पूरी मजबूती से इस बार कुर्सी से हटाने का उन लोगों ने इंटरनली एक दूसरे को फ्रेंडली मैच खेलने का भी बात किया है जी। आप समझ लीजिए कि अगर मेयर के चुनाव में जी कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार और मोदी की हार होती है जी, तो आप मान के चलिए कि यह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और विपक्ष को एक जीवनदायी शक्ति के रूप में मिलेगा, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा जी जो पक्ष हारेगा उसको झेलना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसलिए कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो निर्णायक वोट रखते हैं जी, क्योंकि सभी क्षेत्रीय लोग हैं और इनके वोटों का असर निश्चित रूप से विधानसभा पर पड़ने वाला है जी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह लड़ाई किस करवट बैठती है, क्या विनय कुमार पप्पू का दावा एक बार फिर से ध्वस्त करते हैं नीतीश कुमार और सुशील मोदी, या फिर विनय कुमार पप्पू के जिस कंधे पर सवार है विपक्ष के जी, मुख्य रूप से कहा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और उनके खेमे का इसमें बहुत बड़ा समर्थन उनको प्राप्त है, और अगर यह जीत होती है तो तेजस्वी यादव का एक बड़ा जीत होगा जी। तो बाबा ने आपको बता दिया कि आप इस बात का इंतजार है हम सभी को कि ये संजीवनी बूटी किस खेमे में जाती है, अगर महागठबंधन के खेमे में गई तो ये एक बड़ी जीत हो जाएगी महागठबंधन के लिए, क्योंकि भाई पटना है, पटना बिहार की राजधानी है, और ये सियासी संग्राम का जितना अखाड़ा है इसकी सारी जो लिस्टिंग होती है सब तो यहीं से तय होता है। तो एक जो आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो एक प्रैक्टिस मैच की बात कह दें,
वर्ल्ड कप से पहले ये एक प्रैक्टिस मैच की तरह इस मेयर के जो इस पद को, इस अविश्वास पत्र है, इसको देखा जाना चाहिए। तो अब इस ये संजीवनी बूटी किसके हिस्से जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चौतरफा घेरने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है। तो कहीं गुप्त मीटिंग जारी है, चुनाव आयोग के पास जाने की तैयारी है, कोरोना के मामले पे हो चाहे पुल के मामले पे हो, हर जगह विपक्ष जो है लगातार हमलावर बनी हुई है। अगर विपक्ष की बात छोड़ भी दे तो उनके अपने ही एनडीए के कुछ जो दल हैं वो सौरभ, इस बीच में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये अविश्वास प्रस्ताव यूं ही नहीं है जी। पिछले एक साल पहले जी जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो सीता साहू ने अपनी गलतियों को मानने का काम भी किया था कि मुझसे गलतियां जो हुई हैं मैं आगे नहीं करूंगी, आपका समर्थन हमको चाहिए, और इस आधार पर एक बार उन्हें मौका दिया गया था। पर कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से कहा जा रहा है कि लूट मचा हुआ है नगर निगम में, आउटसोर्सिंग के नाम पर पैसों की उगाही हो रही है, लूट हो रहा है, जिस तरह से पार्षदों का कहना है, मैंने कई पार्षदों से बात किया है जी, उनका सीधे तौर पर कहना यह है कि कहीं ना कहीं सीता साहू डिक्टेटर की तरह काम कर रही हैं, या फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं है जी। जब कोरोना संकट हुआ तो लोगों का राशन तक नहीं मिल पाया, और जब जब उनके पास गुहार लेकर के गए हैं ये पार्षद, तब तक उनका कहना यह है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं जी। और ऐसी स्थिति में जब आउटसोर्सिंग करके जब काम अब करवा रही हैं और पार्षदों को कोई अधिकार नहीं दे रही हैं, राशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है इसकी मॉनिटरिंग तक नहीं किया जाएगा। हमने तो कई पार्षदों से बात किया, उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि कोरोना संकट के दौरान आप खाने का जो स्टॉल लगा रहे हैं, खाने का जो व्यवस्था कर रहे हैं आम गरीबों के लिए, वो अगर आप गंतव्य फलाने जगह कर दें तो अधिक से अधिक लोगों को राहत मिल जाएगी, और बहुत सारे परिवार जो भूख के कगार पर खड़े हैं, भूखे प्यासे सो रहे हैं, उन लोगों को राशन मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपने हिसाब से सारा काम किया गया और किसी से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, ये बहुत बड़ा आरोप लगा है। और आउटसोर्सिंग में पैसे के गबन की बात जो की जा रही है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं जो सीता साहू है उनपे भ्रष्टाचार का भी एक आरोप लगता हुआ दिख रहा है। और जो बात जो सबसे जिस बात से और जो पार्षद खपा है वो कोरोना काल में हुए राहत वितरण को लेकर के है, वो सभी अपने क्षेत्र में हुए राहत वितरण को लेकर के संतुष्ट नहीं है, और इस बात से भी मनमुटाव है कि उनसे पूछा नहीं गया, और सभी पार्षद को इस दौरान ही अपने क्षेत्र के लोगों का हिमायती बनने का मौका मिलता है जिसको मेयर सीता साहू ने नहीं दिया, ऐसा उनका आरोप है। तो क्या होता है आगे ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन जो बाबा के हवाले से जो खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से जो एक खबर आ रही है, तो इस बार तो कुर्सी जाना तय दिख रहा है। तो और भी खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी है। तो आज का ये कार्यक्रम आज यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी समय में, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।